जो अगला और आखिरी चेहरा मुझे लगता है होगा जेडीयू की तरफ से, उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नाम अनाउंस होने वाला है अब शीला कुमारी का। और थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं मंच से जैसे ही नाम का ऐलान होगा। लेकिन जातीय समीकरणों को भी इस बार देखा गया है और उसको भी एक तरह से फैक्टर इन करके तमाम जो चेहरे चुने गए हैं मंत्री पद के लिए, वो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अब आप शीला मंडल को देख रहे हैं, मंच पर पहुंची हैं, मधुबनी के फुलपरास से चुनाव जीती हैं और जिस तरह के फैसले शराबबंदी से लेकर कई थे, माना जा रहा था नीतीश कुमार भी महिलाओं में एक फेवरेट कैंडिडेट रहेंगे, उस नजरिए से भी अगर आप देखें तो एक मंत्री जेडीयू कोटे से भी महिला को जाता हूं। प्रभु जी, महिलाओं को देखने के आप सबसे पहले आपने बात की है तो समीकरण बताए गए हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात भी की है। एक तरफ डिप्टी चीफ से महिला को बना रहे हैं, दूसरे जेडीयू ने अपनी तरफ से भी महिलाओं को चुना है, मंडल शायद बैकवर्ड क्लास के तरफ से आते हैं, तो इसलिए महिलाओं को आगे ला करके एक तो सुशासन देने की बात है। महिलाओं के बारे में छवि यही की जाती है, मैं आदमी मजबूत कह रहा हूँ कि वो थोड़े ईमानदार से काम करती हैं, डेडिकेशन के साथ काम करती हैं, इसलिए उनको आगे ला करके चेहरा जो है सरकार का बदलने की कोशिश की जा रही है। समीकरण की जातियों के हिसाब से भी और जेंडर के हिसाब से भी ये लगता है कि केंद्रीय जो सरकार बनाने की कोशिश की गई है उसमें ऐसे लोगों को लाया जा रहा है क्योंकि छवि थोड़ी सी बेहतर हो। हालांकि पहले जो जिनको दिया गया था उनके खिलाफ काफ़ी चार्जेस लग चुके हैं और कुछ डिफेक्टर भी आकर के चुके हैं, पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भी आ रहे हैं इसके अंदर, कि वाइस चांसलर रहा है अशोक चौधरी भी पढ़े पढ़े लिखे लोगों में माने जाते हैं, तो इसलिए इस सरकार के अंदर महिला को ला करके वहीं बैकवर्ड क्लास से ला करके और एक अति पिछड़ी जाति से ला करके एक सशक्तिकरण का जो मैसेज रियल टर्म्स में देने की कोशिश की जा रही है। शीला मंडल पर जल्दी से अगर आप थोड़ी सी जानकारी दें सुजीत। तो मधुबनी से वो इस बार विधायक चुनी गई हैं और उनके लिए एक बड़ा मौका। जेडीयू के जो सभी पांच नाम थे वो आपने देख लिया, अब वो शपथ ले चुके हैं और शीला मंडल का भी शामिल करना, यानी आप समझ सकते हैं जिस तरह से न सिर्फ जातीय समीकरणों को बल्कि एक महिला को भी शामिल करके एक संदेश देने की कोशिश है। और बीजेपी की तरफ से तो उप मुख्यमंत्री पद ही रेणु देवी को दिया जाना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सभी को साधने की कोशिश में नीतीश सरकार इस वक्त वहां पर दिखाई देती हुई, गठबंधन की सरकार दिखाई देती हुई। अब बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं उनकी शुरुआत हो रही है। संतोष सुमन को अब शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जीतन राम जी के बेटे हैं संतोष सुमन एचएएम की संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 2015 के कुटुंबा से लड़े थे ये 2015 में, लेकिन हार गए थे वहां से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए है इनके पास। ये संतोष सुमन का पूरा आप देख सकते हैं, एचएएम कोटे से आज इन्हें मंत्री। तो ये भी दिलचस्प है प्रभु जी, सीक्वेंस अगर आप देखें जेडीयू का खत्म हुआ तो अब एचएएम और फिर वीआईपी और मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी वाले पहुंच रहे हैं। तो संतोष सुमन को आप देख रहे हैं, उनके परिवार से कुछ देर पहले रोहित ने बात की थी, संतोष मांझी के बेटे से, और सभी बोल रहे थे संतोष सुमन एचएएम की संसदीय बोर्ड के भी सदस्य हैं। आशुतोष, परिवार वाले आप क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मुझे मंत्री नहीं बनना। मतलब जो एक चर्चा बड़ी नारा चला था परिवार वादी पार्टी है या बेटे को जो है मंत्री पद का स्वागत है, कितने परिवार वाले बोली आशुतोष जी। सवाल मानना है कि मोदी जी के अलावा उनका परिवारवाद नहीं, बाकी पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं का परिवारवाद है और राजनीति से लेकर क्रिकेट तक परिवारवाद। तो वो तो चिराग पासवान को भी जब एनडीए का हिस्सा थे तो कहा जाता था एलजेपी में देखिए विरासत वाली राजनीति है, तो गठबंधन के साथियों को शामिल करने में प्रभु जी कोई परहेज नहीं है इन्हें। हालांकि अपने भी कई नेता ऐसे हैं अब जिनके बेटे सांसद विधायक सब कुछ बन के सक्रिय भूमिका में आ रहे हैं और आशुतोष जी ने कर ही दिया अपनी तरफ से जो कहना था। राजनीति से क्रिकेट तक है, ट्रांजिशन तो हेरिडेटरी है, पॉलिटिक्स में हो चाहे बिजनेस में हो चाहे कहीं भी हो, तो इंडिया की सोशियोलॉजी है या अमेरिका में भी कई बने आप बेटे
प्रेसिडेंट बन गए, तीन चार प्रेसिडेंट है जिनके बेटे प्रेसिडेंट बन गए। बट आप हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर हो सकते जितनी रीजनल पार्टीज हैं सारी परिवार समाजवाद से निकले हो चाहे किसी दूसरे आंदोलन से निकले हो, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल ही बनेंगे, फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बाद शायद उनके बेटे ना बने, ये भी एक एक मिसाल है जिसका दोनों तरफ से कोट करना जरूरी है। दिलचस्प बात ये भी है कि आशुतोष जी ने सारी रीजनल पार्टीज गिनाई लेकिन परिवारवाद का सबसे ज्यादा झगड़ा नेशनल पार्टी को लेकर है देश। उससे परहेज कर लिया क्या आशुतोष जी आपने? परहेज वो तो सर्व जो सर्वविदित है उसके बारे में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका मेंशन नहीं आएगा। बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। आज के दिन तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि लोकतंत्र में क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वही लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति के सामने परिवारों की जागीर बन गई है राष्ट्रीय पार्टियां, ये हालत। अब आप फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को देखिए, पिताजी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की सिस्टर वो भी राजनीति में थी, उनके जो साले साहब थे वो भी राजनीति में थे, वो भी मुख्यमंत्री बने। बादल परिवार के 17 लोग बादल राजनीति में थे भाई। तो मुकेश सहनी को आप देख रहे हैं, मुकेश सहनी का भी बहुत ही दिलचस्प पूरा इतिहास रहा है, बहुत छोटी उम्र इनकी अभी पॉलिटिक्स में रही है, सिमरी बख्तियारपुर से ले चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं। जल्दी से सुजीत इन पर कमेंट, कहां से कहां पहुंच गए और इस बार स्ट्रेटेजिकली इनका अलायंस जो एनडीए के साथ वो एक तरह से अच्छा हो गया, 4 out of 11 11 सीटें दी थी बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मुकेश सहनी का पदार्पण जो बिहार की राजनीति में हुआ है वो विज्ञापन के जरिए ज़्यादा शुरुआत हुई थी इसकी और सन ऑफ मल्लाह के रूप में लोग इन्हें जानते हैं, याद करते हैं। 2015 के चुनाव में ये बीजेपी के साथ थे और समय हम कह सकते हैं कि काफ़ी जोर शोर से वो चुनाव प्रचार में लगे थे लेकिन कुछ विशेष सफलता उस समय नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है VIP 2018 में, 2019 में वो लोकसभा का चुनाव खगड़िया से लड़े महागठबंधन से लेकिन सफलता नहीं मिली। महागठबंधन हम में हाल तक थे लेकिन टिकट बंटवारे के दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया था, आपको याद होगा, और उसके बाद वो NDA में चले आए थे और NDA में 11 सीटें मिली, 4 सीट जीते हैं, हालांकि खुद चुनाव हार गए हैं सिमरी बख्तियारपुर से लेकिन मंत्री पद इन्हें मिला है। और सुजीत, जहां से आपने शुरुआत की, सन ऑफ मल्ला सेट डिजाइनर थे लेकिन अपनी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी की इन्होंने और आरक्षण को लेकर जो एक महासम्मेलन इन्होंने बुलाया था उसमें जो भारी भीड़ पहुंची वहीं से सबने नोटिस करना शुरू किया और फिर एक अपनी ये भूमिका बनाते चले गए और NDA के साथ ये जो इनका पूरा गठजोड़ इस बार रहा, खुद हारे लेकिन 4 out of 11 एक अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी मानी जाएगी और खासतौर पर जो जितनी नई पार्टी है ये उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सफलता है और कई जगहों पर तो काफ़ी कम मार्जिन से इनके उम्मीदवार हारे हैं तो ऐसे में शुरुआत काफ़ी अच्छी है। सन ऑफ मल्लाह, क्योंकि एक देखिएगा कि मल्लाह जाति अब जो हम कह सकते हैं उसको एक अति पिछड़ा में आता है ये बिहार में और इसका काफ़ी प्रभाव है बिहार के पूरे हर क्षेत्र में, आप कहें तो काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव है और इसलिए इन्होंने शुरुआत जो की थी वो मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह के रूप में की थी ताकि एक मैसेज चला जाए पूरे बिहार में। और दिलचस्प ये है, देखिए बिहार से कई लोग सपने सजोकर मुंबई पहुंचते हैं फिल्म स्टार बनने के और कई उनमें से हैं शॉटगन से लेकर कई लोग हैं वहां पर गए, उन्होंने तरह तरह की चीजें ट्राई की, सेट डिजाइनर बने लेकिन फिर राजनीति और अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी है उस पर एक तरह से जो जातीय पहचान है उनकी उसके बलबूते उन्होंने बिहार में वापस जाकर कदम रखकर इस तरह की पार्टी बनाई और एक अलग उनका स्टाइल है जिसके लिए वो जाने जाते हैं और आज देखिए मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब आप मंगल पांडे को देख रहे हैं, मंगल पांडे अब मंच पर मौजूद हैं, शपथ ले रहे हैं, इससे पहले भी रहे हैं वो मंत्री लेकिन मंगल पांडे के बारे में ऐसे कई लोग आज आपको दिखेंगे जो MLA नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनमें से एक चेहरा ये भी है, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी थी मुजफ्फरपुर में जो चमकी कांड है उसको लेकर कई सवाल भी इन पर उठे लेकिन उन सबसे पार पाते हुए देखिए चुनाव लड़ना नहीं है और फिर एक बार मंत्री बन रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको पता होगा इनके बारे में। इधर सवाल ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, बीजेपी के अपने नेता मानते हैं कि जिस तरह कोविड की हैंडलिंग इन्होंने की है
उसमें लोगों को काफी गालियां सुननी पड़ी जनता को, तो वो सक्सेसफुल ना तो अध्यक्ष रहे ना सक्सेसफुल मिनिस्टर रहे, पर उनके क्या कारण है जिसकी वजह से वो बने हैं, उनकी जरूर होगी पार्टी की, जिसके लिए सबसे सीनियर पहला मंत्री उनको बनाया। कहा जाता है कि आरएसएस में अच्छी पैठ है और इधर नीतीश कुमार से उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। हो सकता है कोई कारण तो रहा होगा ना कि बीजेपी ना कोई गॉडफादर तो होना ही चाहिए। ये वाला फार्मूला तो सुशील मोदी पर भी लागू होता था, भी ठीक थे और नीतीश कुमार के साथ भी इसलिए कोई नीतीश कुमार, लेकिन इसी वजह से कहते हैं उनको बाहर जाना पड़ा कि नीतीश कुमार के साथ ज्यादा ज्यादा वो सेट डिजाइन करते करते अपनी राजनीति डिजाइन कर ली, चुनाव हारने के बाद भी वीआईपी बन गए वो। तो ऐसे बिहार के अंदर पॉसिबिलिटीज काफी है कि हारने के बाद भी बन सकते हैं, एमएलए नहीं बनने के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अपने आप में न्यू मॉडल्स आपके आपको बिहार के अंदर दिखाई देंगे। कौन सा मंत्रालय इस बार मिलता है ये दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जैसा प्रभु जी भी कह रहे थे फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग अगर आप देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा सवाल उसी पर खड़े होते हैं, और मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार को लेकर परिस्थितियां थी, जो सरकारी अस्पतालों की प्राइवेट अस्पतालों की वहां पर हालत थी, उसको लेकर भी लगातार रिपोर्टिंग हुई लेकिन बहुत कुछ बदला नहीं वहां पर। इन सब के बीच एक बार फिर से ले रहे हैं, क्या वही मंत्रालय फिर से इन्हें मिलता है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन इनका भी एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और चुनाव नहीं लड़े हैं इस बार भी, लेकिन विधान परिषद से है, लेकिन एक बार फिर से मंत्री पद की शमन लेते हुए, तो मुझे लगता है सुजीत तीसरे या चौथे ऐसे व्यक्ति जो विधायक नहीं है, चुनाव नहीं जीते हैं, नव निर्वाचितों के बीच बैठे हुए हैं, लेकिन लॉटरी इनकी लग रही है। परिषद से है, विधान परिषद से। देखिए बिहार में आप देखें तो मुख्यमंत्री या इससे पहले सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने चुनाव लड़ा नहीं है और MLC के तौर पर ही वो सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव अपना 2004 में लड़ा था, आपको याद होगा लोकसभा का, उसके बाद से वो जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से MLC से ही लगातार वो मैं आपको टोक रही हूँ क्योंकि अमरेंद्र प्रताप सिंह अब आ गए हैं, आरा से इस बार विधायक चुने गए हैं, पांचवी बार आरा से ये विधायक चुने गए हैं। बड़े भाई जो इनके हैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, झारखंड के वित्त मंत्री हैं, मजदूर संघ के हड़ताल की अगुवाई भी ये कर चुके हैं, इनकी भूमिका उस तरीके से भी है। 2012 से 2015 तक विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं और दादा सरदार हरिहर सिंह थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो इनके दादा एक पूरे राजनीतिक विरासत इनके पास भी है। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से इनकी जीत और लगातार कई बार से आरा से इनका मुख्यमंत्री बनना बहुत मायने रखता है, खास तौर पर जब आप देखें कि भोजपुर के इलाके में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है NDA की। ऐसे में आरा, जिसे भोजपुर का सिरमौर कहा जाता है, आरा में इनका जीतना काफी मायने रखता है और शायद लगता है उसी की इनको सौगात मिली है, ये भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कई इलाकों में, वहां पर छपरा में देखिए आप, लालू का गढ़ माना जाता था, उन इलाकों में जहां जहां बीजेपी ने सेंध मारी है वहां पर जो भी जीतता है उसका काफी कद जो है पार्टी के अंदर बढ़ाने की कोशिश होती है, और आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह का जीतने के बाद उन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। खासतौर पर आशुतोष जी, ऐसे वक्त पर जब पूरे भोजपुर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है NDA की, वहां पर ये आरा में फिर से जीतने में कामयाब हुए। बिल्कुल, और हम लोग चमत्कृत थे इस बात को लेके कि मिथिलांचल में जो है वो RJD भारी बहुमत से जीत जाती है, अरे वो BJP भारी बहुमत से जीतती है, और भोजपुर में BJP भारी बहुमत से हार जाती है। और अगर आप अमरेंद्र सिंह को देखें तो ये बड़े राजनीतिक परिवार से, इनके पिताजी जैसा राजपूत लगते हैं मेरे को जी, राजपूत है क्या, राजपूत हमारे ख्याल से मुझे जानकारी नहीं, बट इनके भाई झारखंड में वित्त मंत्री रहे, इनके पिताजी विधानसभा वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। सरदार हरिहर सिंह तो ठाकुर थे, कब थे मुझे, 80 के पहले रहे होंगे, 80 के पहले रहे। तो बीजेपी के चेहरे के तौर पर अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से कई बार जीत हासिल करने के बाद आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए और मजदूर संघ से भी जुड़े रहे हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी पहले रह चुके हैं, और भोजपुर के इलाके में अगर आप देखें तो आरा से लगातार मिल रही इनकी जीत पार्टी के लिए बड़ी बात। Thank you.
पासवान इस तरह शपथ ले थी कि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति साफ सुथरा निष्ठा रखब हम भारत अखंडता और अखंडता संपूर्ण रखब हम बिहारक राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक उचित अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किनवा पक्षपात अनुराग किनवा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोकसभा प्रति संविधान विधि अनुसार न्याय करब। अपनी रीजनल भाषा में थोड़ी सी आवाज कम है इसलिए मैथिल या मगही बोल रहे साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां की भाषा में इन्होंने शपथ ली, इसीलिए वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी थी। राजनगर सीट से जीत चुनाव जीते हैं, बीजेपी की तरफ से मंत्री ये बनाए जा रहे हैं और आरजेडी के राम अवतार पासवान थे जिनको इन्होंने शिकस्त दी है। चूंकि आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है जितना मैथिली में इन्होंने अपनी शपथ ली है और दूसरी बार जीत मिली है। सुजीत आप वहीं पर मौजूद हैं, मैथिली में कि मगही में शपथ ली इन्होंने? मैथिली आपको पता चल जाएगा अंजना कि कितने मिथिलांचल के विधायक मंत्री बन रहे हैं। जो भी मिथिलांचल से आएगा वो मैथिली में ही शपथ लेगा, आप आगे देखते चलिए आपको पता चल जाएगा कि कितने मिथिलांचल ने चूंकि काफ़ी अच्छी सीट दी है तो काफ़ी खुश हैं मिथिलांचल के लोग और बिल्कुल तो इसलिए पाग भी होगा और मिथिला मैथिली में बोलेंगे भी लोग, शपथ भी मैथिली में होगा। पाग जो आप सिर पर देखते हैं कई लोगों के, हालांकि पता नहीं ये पहनकर आए थे या नहीं, लेकिन मैथिली में इनकी तरफ से शपथ लेना ये बताता है कि ये हम देखिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सातों बार जब नीतीश कुमार बने हैं मुख्यमंत्री बिहार 2000, 2005, 2010 हर बार की तस्वीर है और ये अब अगले कैंडिडेट आते हुए मंच पर जो शपथ लेंगे। मिथिलांचल में अच्छी और ये आप पाग देख रहे हैं इसी का जिक्र कर रहे थे, ये जो सिर पर आप देख रहे हैं ये खास किस्म की ज्यादातर भगवा रंग की ही होती है, गुलाबी रंग की भी कई लोग पहनते हैं। पाग होता है थोड़ा टफ सा मटेरियल का बना होता है और आगे में एक छोटा सा झुकाव उसमें होता है यू, तो उस पाग से ही पहचान हो जाती है मिथिलांचल के लोगों की। और जो मार्च पाग के लिए जाने जाते हैं ये भी मिथिला मैथिली में ही लेंगे शब्द। सुनिए जिवेश मैथिली भाषा है और उसकी मिठास है। प्रधानमंत्री भी जब वहां पर गए थे तो उन्होंने जमकर बोला था और ये वो खास पाग है जिसको लोग देखेंगे, एक अलग बहुत ही कड़े मटेरियल का बना होता है और सिर पर ऐसे सजा होता है, थोड़ा हिमांचली टोपी जैसा दिखता जरूर है आशुतोष जी, लेकिन सामने से बिल्कुल अलग होता है ये, मतलब स्टफ जो है ना मोटा और कड़ा होता है, ये कपड़े का नहीं होता है और प्लेन होता है ज्यादातर, या तो इस रंग का या फिर गुलाबी रंग का। हिमाचल टोपी की डिजाइन बिल्कुल अलग होती है, कलर भी बिल्कुल अलग होता है। गुलाबी रंग का ज्यादा शादी में लोग जाते हैं पहन के। अच्छा, शादी में पहनते हैं लोग गुलाबी रंग। सुजीत जी आप तो जानिएगा ही, कुछ और बताइए मंत्री जी के बारे में। मिथिलांचल में ये परंपरा है। मंत्री जी के बारे में ये कहना है कि जाले से जीते हैं ये और दूसरी बार मात्र, बहुत यंग हैं, दूसरी बार चुने गए हैं विधायक जाले से। और उनका मुकाबला आपको याद होगा उस्मानी जो जिन्ना को लेकर जो एक चला था उनको हराया इन्होंने। तो 2015 में जब महागठबंधन की लहर थी उसमें भी
बीजेपी के टिकट पर ये जीते थे। अब पहले इनका बैकग्राउंड कोई खास पॉलिटिकल नहीं रहा, ये मार्केटिंग के आदमी थे पहले और जॉब करते थे, लेकिन अचानक इनको आया। लेकिन इनका झुकाव शुरू से ही आरएसएस की तरफ रहा है और आरएसएस से लगातार जुड़े रहे। सक्रिय रूप से ये 2015 के आसपास ये जुड़े हैं पार्टी से, बीजेपी से, और टिकट मिलने के बाद से आज देखिए मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जीवेश कुमार, राम सूरत राय को अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शपथ लेते हुए। राम सूरत राय सीपीआई एमएलए उम्मीदवार आफताब आलम को इन्होंने मात दी है, और आफताब आलम को मात देना आपको एक मंत्री पद तो दिलाएगा ही, क्योंकि देखिए जब बेगूसराय में कन्हैया कुमार को हराया था लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने, तो वहां पर भी उन्हें इनाम मिला था, और मुझे लगता है वही स्वरूप एक बार फिर यहां से भी दिखता हुआ राम सूरत राय के लिए। जल्दी से एक कमेंट, ये पूरा इलाका और जिस तरह से सीपीआई एमएल के खिलाफ पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो अगर आरजेडी को भी कोसना था, कांग्रेस को कोसना था, तो यही कहते थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टुकड़े टुकड़े गैंग से मिल गए हैं आप लोगों को। ऐसे में आफताब आलम को हराना आपको यहां तक तो पहुंचा ही सकता था जितना पार्टी ने इसमें अपना सब कुछ लगाया था। सुजीत, बिल्कुल, और रामसूरत राय दूसरी बार जीते हैं, बीच में 2015 में चुनाव हार गए थे। औराई विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का, सीपीआईएमएल के आफताब आलम से इनका मुकाबला था, लेकिन रामसूरत राय उस इलाके में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। 2010 से पहले ये असल में आए थे जेडीयू में पहले, लेकिन 2010 में जब एडजस्टमेंट में औराई सीट बीजेपी के खाते में चली गई तो ये बीजेपी के हो गए, उसके बाद लगातार भी जिला अध्यक्ष भी है बीजेपी के, तो काफी सक्रिय रहे। बिल्कुल, मैं फिर से आऊंगी आपके पास बीच बीच में, चूंकि वहां पर काफी जैमर्स लगे होंगे, लिंक बार बार टूट रहा है। 2015 में चुनाव हार गए थे रामसूरत राय, लेकिन उसके अलावा जैसे सुजीत बता रहे थे पूरे इलाके में काफी इनकी लोकप्रियता है, और सीपीआईएमएल के आफताब आलम को हराना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, और वो एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेते हुए रामसूरत राय बीजेपी के कोटे से। ये मुजफ्फरपुर और जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर कई सीपीआईएमएल के उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में थे, और